यस डियर फ्रेंड्स, आपने कल पहली पोइम पढ़ी थी और मुझे उम्मीद है कि आपको वो पोइम अच्छे से समझ में आ गई होगी और उस पोइम की अर्थ यानी मीनिंग और उसके सेंस को मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में टाइप करके पीडीएफ बनाई हुई है, जिसे डीएस का जो पोर्टल है या तो उस पर या यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप उसे पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ हिंदी मीडियम व इंग्लिश मीडियम के दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स आसानी से इसे लर्न कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारी प्रीवियस क्लास के लास्ट में मैंने कहा था कि आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स और वो तरीका जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछे जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप जब सेक्शन सी देखेंगे जो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, उस सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है वो पोइट्री के एक्सट्रैक्ट से होता है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? आपको पता है कि आपने क्लास टेंथ में जब इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया था तो उसमें एक एक्सप्लेनेशन आई थी, तो उसमें एक स्टेंजा दिया हुआ था। उस स्टेंजा को पढ़ करके उसकी व्याख्या आपको करनी थी, उसमें रेफरेंस लिखना था, उसमें कॉन्टेक्स्ट लिखना था, उसमें एक्सप्लेनेशन लिखनी थी, उसमें क्रिटिकल नोट्स लिखने थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। एक्सट्रैक्ट का मतलब भी उद्धरण ही होता है। उद्धरण यानी कि जो आपका जो छोटा सा पद्यांश जो आपको दिया हुआ होता है वही होता है, और आपको इस पद्यांश की न तो रेफरेंस, न कॉन्टेक्स्ट, न एक्सप्लेनेशन करनी होती है, बल्कि इसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको उन क्वेश्चंस का आंसर इसमें से छाट के लिखना होता है। जैसे कि आपका पहला स्टैंजा मैं लेता हूँ। पहला स्टैंजा कुछ इस तरीके से था, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग इन ओक 300 ईयर टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सीयर। मैंने ये स्टैंजा फिर से इसलिए नहीं लिखा है कि टाइम लगता। आप इसे आसानी से समझ सकते हो कि ये स्टैंजा कल था, और हमारी जो पिछली वीडियो में आपने इस स्टैंजा को मीनिंग्स भी इसकी देखी थी, उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखी थी। आज जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, तो देखिएगा, आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच नेचुरल सिंबल एलिमेंट भी आ सकता है और सिंबल भी यूज कर सकता है। सिंबल डज द पॉइंट टेक इन द स्टैंजा। तो आपको ये याद रखना है कि एक नेचुरल चीज आई थी यहां पर और वो थी बलूत का पेड़। तो आपको आंसर देना पड़ेगा। तो आप आंसर देने का एक तरीका समझें, इस पहले क्वेश्चन को समझें कि कौन सा प्राकृतिक प्रतीक कवि लेते हैं अब इस स्टैंजा में। तो आपको पूरा स्टैंजा पढ़ना है, तो आप देखोगे कि उसमें एक बलूत का पेड़ आया था और उस बलूत के पेड़ को आपको यह रिप्रेजेंट करना है। लेकिन ये तो एक बर्ड का आंसर है और आपको दो अंकों के लिए ये आंसर देना है। 2 मार्क्स इसके लिए आपको दिए जाएंगे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर एक वर्ड में अगर आप उसको आंसर देते हो तो वह आपको अंक देने में, नंबर देने में भी आनाकानी करेगा। तो इसका एक सबसे अच्छा उपाय है कि आप इसको एक सेट करके, अच्छे से सेट करके अपना आंसर बनाएं। तो आपको पता है कि आपको नेचुरल सिंबल, जो प्राकृतिक जो प्रतीक इन्होंने लिया है वह आपको देना है, और वो आपका बलूत का पेड़ है। आपको पता है कि आप EWH वर्ड को भी अवॉइड करेंगे अपने आंसर में, यह हेल्पिंग वर्ब भी अवॉइड करेंगे अगर डू डज डिड है तो, और आपको द पॉइंट लिखना है। तो आपको नाम पता होगा द पॉइंट का, तो मैंने आपको बताया था कि क्या नाम है। इसका नाम है बेंजामिन जॉनसन। तो आप इस तरीके से अपना आंसर शुरू करेंगे, बेंजामिन जॉनसन टेक्स एन ओक ट्री, और इसको अंडरलाइन करेंगे, एन ओक ट्री एज अ नेचुरल सिंबल। अब आपको पता है कि एग्जामिनर को अपना आंसर मिल चुका है। अब आप इस आंसर को एक्सटेंड करने के लिए बता सकते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करें और अपने मार्क्स को किसी भी तरीके से रिटेन करें, बचाएं। तो देखो,
कि बेंजामिन जॉनसन टेक्स एन ओक ट्री, एक बलूत के पेड़ को लेते हैं एक प्राकृतिक प्रतीक के रूप में, टू रिप्रेजेंट, दर्शाने के लिए, टू रिप्रेजेंट अलोंग अलोंग बट लेकिन यूजलेस यूजलेस लाइफ, एक लंबी लेकिन एक निरर्थक जीवन, विच वॉज जो कि थी, या विच इज नॉट जो कि नहीं है, एडमायरेबल प्रशंसनीय और सराहनीय, एडमायरेबल एंड नॉबल जो कि ना तो सराहनीय है और ना ही श्रेष्ठ है। हमें अपने आंसर को जब इतना हम लिमिट तक पहुंचा देते हैं तो डेफिनेटली हमें 2 मार्क्स देने के लिए वह नहीं कतराएगा, वह बिल्कुल आसानी से आपको 2 मार्क्स देगा और ये 2 अंक का आंसर इस तरीके से आपको लिखना है। तो जैसे एक ही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ दिखाया, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ कि किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिएगा, आपको वो क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी ईयर्स डज एन ओक ट्री स्टैंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है वो, एन ओक ट्री स्टैंड। तो आपको मालूम है आपका आंसर है 300 ईयर, 300 वर्षों तक, क्योंकि जो आंसर आपको पोइटिक वे में या काव्य में मिल रहे हैं, आपकी पोइम में मिल रहे हैं, जो स्टेंजा में मिल रहे हैं, आपको वही आंसर देना है। आपको अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना है, लेकिन अपने आंसर को इतना एक्सटेंड जरूर करें कि वो आपको 2 मार्क्स देने के लिए नहीं हिचके। तो देखना, अब अगर हम बात करें कि इसका आंसर कैसे लिखना है, तो आप बताएंगे कि बेन जॉनसन। अब ये बेन जॉनसन, जब आपको ये 300 वर्षों का रेफरेंस मैं दे रहा था, तब आपको एक इंटरनेट का रेफरेंस देते हुए मैंने बताया था कि बलूत के पेड़ का जीवन तो और भी बड़ा होता है। तो आपको उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है कि बेन जॉनसन सीज दैट एन ओक ट्री, कि एक बलूत का पेड़ जो है, एन ओक ट्री लिव्स अ वेरी लॉन्ग लाइफ ऑफ 300 ईयर। ये आपका आंसर हो गया और आपको ये अंडरलाइन कर देना है, 300 ईयर, ठीक है ना। अब यहां पर लिखेंगे इट इज अ वेरी लॉन्ग लाइफ स्पान ऑफ ए ट्री, कि ये एक पेड़ का बड़ा लंबा जीवन काल है। तो ये आपका, ये एक ज़्यादा बड़ा नहीं कहेंगे लेकिन एक बहुत छोटा भी नहीं, एक लिमिटेड वर्ड्स में दिया हुआ आंसर है और मुझे लगता है कि वो इसको आसानी से 2 मार्क्स में सेट कर देगा, यानी कि वो इसके लिए 2 मार्क्स आपको दे देगा। तो याद रखना कि आपको इस तरीके से अपने आंसर्स रिप्रेजेंट करने हैं, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। तो एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि हाउ डज एन ओक ट्री एंड इट्स लाइफ, कि एक बलूत का पेड़ अपने जीवन को कैसे एंड करता है। तो आप बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन एन ओक ट्री एंड्स इट्स लाइफ फॉलिंग डाउन लाइक ए ड्राई पीस ऑफ वुड बिकमिंग लीफलेस एंड लाइफलेस, इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू एनी अदर ह्यूमन बीइंग और एनी अदर क्रिएचर फ्रॉम इट्स लाइफ। ये आपको इसका आंसर देना है। तो इस तरीके से आपको एक्सट्रैक्ट इसमें से आपको मिलेंगे। और सेकेंड स्टैंजा जो हमारा था कि अ लिली ऑफ अ डे इज फेयरर फार इन मे ऑल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इन शॉर्ट मेजर इन स्मॉल प्रपोर्शंस वी जस्ट म्यूटी सी इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ मे परफेक्ट बी। तो इसमें से भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है कि विच नेचुरल सिंबल डज द पॉइंट टेक फ्रॉम दिस स्टैंजा या इन दिस स्टैंजा। आपको ये भी आपको आंसर देना है कि लिली, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज अ फ्लावर ऑफ लिली लीड। तो आपको बताना है कि वो एक दिन का जीवन जीता है। हाउ इज द लाइफ ऑफ अ लिली परफेक्ट। तो आपको ये भी आंसर देना है कि वो बताया था कि बहुत छोटे जीवन काल में वो अपनी
क्वालिटीज़ को हर जगह स्प्रेड कर देता है, इस तरह से वो अपनी लाइफ को सफल बना लेता है। तो आपको एक्सट्रैक्ट से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, एक एक्सट्रैक्ट आएगा तो उससे दो या तीन क्वेश्चंस आएंगे। अगर वो दो क्वेश्चन देता है तो दो दो नंबर के देगा, और अगर वो तीन देता है तो एक दो नंबर का, बाकी का एक एक नंबर के दो देगा। पहले स्टेंजा से कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आते थे कि इनका सिमिलर वर्ड क्या है, कि इनकी एक मीनिंग दे दी जाती, जैसे कि यहाँ दे दें हम कि बैरन, तो बैरन का आपको सिमिलर वर्ड ढूंढना होता था जो स्टेंजा में से है, जो सीयर होता आंसर। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर एक की, और आज आपको मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि इसके बाद स्टेंजा के अलावा चार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो पांचों पॉइंट्स में से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, चाहे वो स्टेंजा से हो, चाहे पॉइंट की थीम से हो, चाहे पॉइंट के मैसेज से हो, चाहे इसमें कोई एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो। और वो चार जो क्वेश्चंस होंगे उनमें से आपको तीन करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा। एक लिमिटेड वर्ड्स में एक अच्छे पोएटिक वर्ड्स यूज करके आप किस तरीके से अपना आंसर देते हैं, ये वहाँ एग्जामिनर अच्छे से ऑब्जर्व करता है। तो देखिएगा वो क्वेश्चन कैसे होते हैं। जैसे कि अगर मैं पहली पोइम की बात करूँ तो उसमें अगर क्वेश्चन होगा तो इस तरीके से होगा कि What are the qualities of an oak tree? एक बलूत के पेड़ की क्या क्वालिटीज हैं? और अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं तो What does the poet want to say in the poem? कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं? What message, कौन सा जो संदेश है, What message does the poet want to convey, वो पहुंचाना चाहते हैं through his poem या through this poem, इस कविता के माध्यम से। तो इस तरीके से कुछ questions आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अ लिली एंड एन ओक ट्री। तो आपको ये कॉन्ट्रास्ट बताना पड़ेगा कि एक ओक ट्री 300 वर्षों का लंबा जीवन जीता है, जबकि एक कुमुदनी का फूल या एक लिली जो है बहुत ही कम जीवन जीता है, और दोनों के जीवन में क्या डिफरेंस हैं, और किस किस तरीके से अपनी क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनका एंड कैसे होता है। आपको इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर लेंगे। और ये सब कुछ मैं आपको जो PDF अवेलेबल कराऊंगा हर पोइम की, उसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में भलीभांति दिया हुआ है, आप उसे पढ़ें और याद करें। और मैं समझता हूं कि आपको क्लास 12th में इनको याद करने से और पढ़ने से बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो और जुड़े रहें, और अगर नहीं समझ में आती हैं तो आप इस वीडियो को बार बार देखें। ऑनलाइन क्लास चलने से बच्चों को एक फ़ायदा तो है, क्लास में जो निकल जाता है वो हेजिटेशन की वजह से बच्चे नहीं कह पाते, कई कई बार उनका ध्यान भी नहीं रह पाता। लेकिन ये वीडियो जो क्लासेज हैं, ये ऑनलाइन जो क्लासेज हैं, इन क्लासेज में आप अगर कुछ समझ भी नहीं पाते हैं तो आप उसको बार बार देख सकते हैं, और अगेन अगेन आपको वही चीज़ जब सुनने को मिलेगी तो डेफिनेटली आपको वो बहुत अच्छे से याद होगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्लासेज आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी, बहुत ही आपको बेनिफिट देंगी। तो अब हम चलते हैं हमारी सेकंड पॉइंट की ओर, जिसका नाम है ए बॉयज सॉन्ग।